नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से राजभवन मार्च निकाला गया है। बता दें आपको कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, और इतना ही नहीं, सदाकत आश्रम से थोड़ी दूर जाने के बाद ही कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोक लिया, और इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों की गिरफ्तारी भी की गई है। ऐसे में तस्वीरें सामने आई है जहां पर कांग्रेस की महिला विधायक जो हैं वो पुलिस के जीप पर खड़ी हो गई हैं, और खड़े होकर ही जो हंगामा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ जहां देश में महंगाई बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये केंद्र सरकार देश को जो है अब वो विकास के रास्ते से ढकेल रही है और देश को खत्म करने का काम कर रही है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, कांग्रेस के नेता और किस तरह से इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। देखिए, पुलिस तो अपना काम कर रही है। जब हम लोग शांत पूर्वक अपना डिमांड को रखेंगे, पुलिस हम लोग को तंग करेगी, और जब क्राइम पर इतना ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस को उनको पकड़ने के लिए समय नहीं है। जब कोई जनता के डिमांड को रखेगा तब पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ जो सब महंगाई नहीं रोक पाई है उसके खिलाफ हम लोग को पूरे देश में आज धरना का कार्यक्रम है। वहाँ पर हम लोग के जो सांसद हैं, नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी, अन्य बड़े नेता सभी प्रधानमंत्री के घर को भी घेरेंगे, राष्ट्रपति के यहाँ भी जाएंगे, और पूरे राज्य में हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे, जिससे उनका आग्रह करेंगे कि आप इस महंगाई पर रोक लगाने का जो उचित कार्रवाई हो उसको करें। पिछली बार भी जब आप लोग गए थे तो पुलिस रोक रही थी आपको। पुलिस अपना काम करेगी, जब नहीं जाने देगी तब उसके बाद हम लोग विचार करेंगे, हमारे नौजवान देखेंगे जाने देते हैं कि नहीं। पहले भी कई बार रोकी है, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी गए हैं। तो अभी आप लोग राजभवन मार्च को तैयार हैं, निकलेंगे सर? निश्चित रूप से निकलेंगे हम लोग, तुरंत कुछ लोग आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो भी रहेंगे यहाँ से राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे। 7 तारीख को प्रतिरोध मार्च है, उससे पहले राजभवन मार्च, विपक्ष एकजुट है? अब विपक्ष बिल्कुल ही एकजुट है, महंगाई के को रोकने के लिए सरकार के दमनात्मक नीति के खिलाफ सारे जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं सभी एक मत हैं। और आप देखिएगा पूरे देश में इस बीजेपी के सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, सारा विपक्षी जिस तरह से पहले भी हुआ है, हम लोग के खिलाफ भी हुआ है, उसी तरह से आज बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, आज नहीं कल सभी को एक साथ आना ही होगा।